पीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी समस्त छात्राओं, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पठन पाठन बाधित था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कला सुल्तानपुर ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल डिपार्टमेंट, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कला सुल्तानपुर। आज भूगोल BA BSc थर्ड ईयर भूगोल में तीन पेपर होता है। फर्स्ट पेपर का नाम है भौगोलिक विचार धाराएं एवं विधि तंत्र। ये पेपर डॉक्टर AK पांडे पढ़ाएंगे। सेकंड पेपर का नाम है पर्यावरण एवं विकास। ये पेपर डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा सर पढ़ाएंगे। तीसरा पेपर का नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। प्यारे बच्चों, ये दो पेपर तो कंपलसरी होता है और तीसरा पेपर ऑप्शनल होता है। तीसरा पेपर में A B C D E F पेपर होते हैं, जो सी क्रमांक पर पेपर का नाम है सुदूर पूर्व एशिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट फार एशिया, जो आपको पढ़ना है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आज आप लोगों को हम थर्ड पेपर सुदूर पूर्व एशिया ईस्ट फार एशिया का अध्ययन कराएंगे। सुदूर पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एशिया में पांच देश आते हैं जो आपके सिलेबस में अंकित है। पहला है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है उत्तरी कोरिया, चौथा है दक्षिणी कोरिया, और पांचवा है ताइवान। इन्हीं पांचों पेपरों का अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। तो संक्षेप में सबसे पहले ये देश का नाम हो गया, एक तालिका के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूँ। ये देश हो गया, दूसरा का हुआ कालम तालिका जनसंख्या, किस वर्ष की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। तीसरा है राजधानी, चीन की जनसंख्या
34,41,00,000, जिसकी राजधानी है बीजिंग। जापान की जनसंख्या है 12,81,00,000, इसकी राजधानी है टोक्यो। तीसरा है उत्तरी कोरिया, जिसकी जनसंख्या है 2,46,00,000, राजधानी है पयोंगयांग। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या है 4,99,00,000, राजधानी है सियोल। ताइवान की जनसंख्या है 2,30,00,000, राजधानी है टेपे। ये 5 देशों का अध्ययन करना है आपको सुदूर एशिया में। तो सबसे पहले आता है स्थित, यह कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर यह सुदूर पूर्व एशिया स्थित है, इसकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यह अक्षांश और देशांतर आप मानचित्र के माध्यम से मानचित्र बना करके आप दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मानचित्र बना दे रहे हैं जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं। ये है चीन, इसी बगल में ये सीमा लगी हुई उत्तरी कोरिया, ये नीचे आपकी दक्षिणी कोरिया और ये नीचे आपको ठीक ये ताइवान और ये ऊपर जापान। चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान, जो आपको 5 देशों का अध्ययन करना है। हमने बताया था आपको कि अक्षांश देशांतर, तो आप इस मैप के मानचित्र के अंतिम सिरे को जब आप इस तरह से क्रॉस करते हैं, दिशा खींचते हैं और इसके ऊपरी हिस्से पर यह है देशांतर रेखाओं का जो जाल बना होता है, तो यही जो आपको इंगित है कि ये 18 डिग्री से लेके 45 डिग्री और 74 डिग्री से लेकर के 146 डिग्री, तो इसी हिस्से पर आपको आता है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री। अब हम बात करते हैं
कि चीन जो देश है सुदूर पूर्व एशिया का, सुदूर पूर्व एशिया में दो देश महत्वपूर्ण हैं, एक है चीन, दूसरा है जापान। हम बात करते हैं चीन कि चीन के आस्थल सीमा की लंबाई 22,117 किलोमीटर लंबी है और इसके चारों तरफ सीमा से सटे हुए जो देश हैं वह 14 देश हैं। वह 14 देश कहाँ कहाँ हैं ये आपको मानचित्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये नीचे तो एक हैनान प्रांत है चीन का। हैनान प्रांत के ठीक बगल नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यह है, इस तरह से बना हुआ है, इसका नाम है वियतनाम। बगल में आपका नाम है, ये नक्शा बना हुआ दिखा दे रहे हैं, ये है लायोस। लायोस, लायोस के बगल ये मानचित्र आपका म्यांमार है, देश है। म्यांमार के बगल ये हिस्सा भूटान का है, भूटान के बगल ये हिस्सा आपका नेपाल, ये हिस्सा यहाँ तक भारत। इसके ऊपर चलेंगे यहाँ पर ये हिस्सा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान से सटा हुआ हिस्सा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर का हिस्सा तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के ठीक ऊपर का हिस्सा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान देश है। कजाकिस्तान के ऊपर का हिस्सा ये रूस का आता है, यहाँ सीमा इसकी छूती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा दिखाई देता है ये हिस्सा मंगोलिया का है, मंगोलिया जो चंगेज खां का देश था। और इसी के बाद यहाँ भी आपकी रूस की सीमा स्पर्श करती है और यहाँ पर ये उत्तरी कोरिया, नीचे ये दक्षिणी कोरिया, नीचे ये आपका आता है ताइवान और ये जापान। दो देश स्वायत्त देश हैं, हांगकांग और मकाऊ। तो ये देश कहाँ पर है, ये ताइवान के ठीक नीचे और हैनान के ऊपर ये सीमा से लगा हुआ है, ये हिस्सा दिखाई देता है हांग कांग और इसके ठीक बगल में ये है मकाऊ, मकाऊ। ये दोनों देश स्वायत्त देश हैं। अब हम चर्चा करते हैं ये चीन के क्षेत्रफल की दृष्टि से तो तीसरा स्थान है, पहला है कनाडा, दूसरा है रूस और तीसरा है चीन। तो तीसरे क्रमांक पर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल आता है, जनसंख्या की दृष्टि से इसका पहला स्थान है। हम बात करते हैं ये चीन के बारे में, तो यह इलाका जो ऊपर का दिखाई देता है यह है हिस्सा को कहते हैं जुंगेरियन बेसिन, जुंगेरियन बेसिन, जुंगेरियन बेसिन के ठीक नीचे यह हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं तारिम बेसिन, तारिम बेसिन। और यह नीचे का हिस्सा जो दिखाई देता है
ये जो आपको मैं दिखाई दे रहा है इसको तिब्बत का पठार, यहीं पर एक हिस्सा बगल में लोप नूर है, झील है, लोप नूर झील, जहां का जल खारा है, नमकीन है। इसी पर यहां एक जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से कुनलुन पर्वत है, कुनलुन शान, बगल में ये है नान शान, ये ऊपर है सिंह लिंग शान। नीचे आपको इस इलाके में आ जाइए, यहां आता है आपका नान लिंग शान, और यहां पर आपको ये हिस्सा तियेन शान, तियेन शान। प्यारे बच्चों, चीन में पर्वतों को चीनी भाषा में शान कहा जाता है, हमारे यहां उसको पर्वत कहते हैं, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कुनलुन शान, नान शान, सिंगलिंग शान और नानलिंग शान और तियेन शान। इसी क्रम में चर्चा करते हैं, यह जो हिमालय का क्षेत्र आता है इसी में एक का नाम है लद्दाख, आक्साई लद्दाख झील, आक्साई लद्दाख झील, आक्साई लद्दाख झील इस किनारे पर है। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर में फैला है। जब झील की चर्चा हो रही है इसी क्रम में नीचे आप देखेंगे हिमालय के गोद में एक झील का नाम है पंगोंग त्सो झील। यह झील सबसे लंबी झील है जिसकी 134 किलोमीटर लंबी है और लगभग 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी झील है। इस झील की विशेषता है। इसी आक्साई लद्दाख झील के पास अभी कुछ दिन पहले चीन और भारत की सीमा पर विवाद हुआ था, जो गलवान घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां काफी सैनिक शहीद हो गए थे, अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है। हम इसी क्रम में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं तो चीन से वह कौन कौन सा राज्य है जो चीन से सटा हुआ है, यह जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो इसी क्रम में सटी हुई सीमा भारत की 5 राज्य आते हैं। नंबर 1 पर आता है जम्मू कश्मीर, 2nd आता है हिमाचल प्रदेश, 3rd आता है उत्तराखंड, 4th आता है सिक्किम और 5th आता है अरुणाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, यह जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जब 370 धारा समाप्त कर दी गई तो यह जम्मू कश्मीर को 2 संघीय राज्यों में बांट दिया गया। तो पहला राज्य जो बना गया वह है लद्दाख, 2nd जम्मू कश्मीर। तो यह लद्दाख की सीमा चीन को स्पर्श करती है।
ये वर्तमान में लद्दाख जो संघीय राज्य है जिसकी राजधानी प्रस्तावित है लेह, जो इसको स्पर्श करती है चीन को। इसी क्रम किससे है हम बात करते हैं, तो जुंगेरियन बेसिन के बगल में यह है तारिम बेसिन है। तारिम बेसिन के बगल नीचे हिस्सा का जो मैदान है वो है तकला मकान का क्षेत्रफल है, मरुस्थल है जो प्रसिद्ध है। तकला मकान का मैदान प्रसिद्ध है, यहीं पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेपी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो स्टेपी का घास का मैदान वह यहीं पर पाया जाता है। इसी क्रम में चर्चा करते हैं जो नीचे आपका यह इलाका तिब्बत का है। तिब्बत में छोटी बड़ी 1500 झीलें हैं के आसपास, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है नामू छेवू। प्यारे बच्चों, चूंकि तिब्बती भाषा में, जो तिब्बत की तिब्बती भाषा है, तिब्बती भाषा में झील को छेवू कहा जाता है, तो यह झील सबसे प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ये मंगोलिया जो यहां से यहां तक सीमा को दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है जो सीमा स्पर्श करती है चीन को, और इसी बीचों बीच मध्य में एक अंडाकार के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है, आधा भाग तो मंगोलिया में है और आधा भाग चीन में है, जो गोबी क्या मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। गोबी का मरुस्थल प्रसिद्ध है जहां शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसी गोबी के मैदान के ठीक नीचे आपका लोयस का पठार है, इसी ठीक नीचे लोयस का पठार। इसी लोयस के पठार से चीन में एक प्रसिद्ध नदी है हुआंगहो नदी, जिसे चीन का सोग भी कहा जाता है, जिसे चीन का सोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने कार्यकाल में भयंकर बाढ़ें आती हैं, विनाशकारी है, तबाही मचा देती है, तो इसी लोयस पठार से नदी निकलती है और पीले सागर में गिर जाती है। पीले सागर में इसलिए गिर जाती है क्योंकि लोयस के पठार का ये जो मरुस्थल है मंगोलिया गोबी का, अपने साथ हवाओं के माध्यम से यह पीली मिट्टी को उड़ा कर लाता है, और लोयस पठार से जब बारिश के या हिमखंड के कारण जब यह नदी का प्रवाह होता है तो अपने साथ पीले मलबे को लेकर के प्रवाहित होती है, और यह प्रवाहित होकर के इस पीले सागर में गिर जाती है, इसलिए वहाँ का हिस्सा पूरा पीला सागर के रूप में हो जाता है। इसी क्रम में ऊपर आपका आता है मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया का मैदान विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि प्यारे बच्चों मक्का का सबसे अधिक उत्पादन मंचूरिया में होता है और साथ ही साथ सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसी नदी के क्रम में एशिया की सबसे बड़ी नदी जो चीन के पठार से निकलती है उसका नाम है यांगसी नदी। यह चीन के पठार से निकलती हुई और यू आकार की घाटी को बनाती हुई यह वुहान शहर से होती हुई, शंघाई होती हुई यह चीन सागर में मिल जाती है।
ये सिचवान बेसिन का जो प्रांत ऊपर का हिस्सा है ये विश्व प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी के क्रम में नीचे यहाँ आपका यूनान का पठार है। इसी क्रम में हम बात करते हैं, जब झील की बात कर रहे थे, नदी की बात कर रहे थे, तो आप को यह जरूर, चूंकि आप इंडिया के निवासी हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये है, यह शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी है, ये लघु हिमालय, महान हिमालय, जास्कर श्रेणी, यहीं पर आपका आता है लद्दाख और लेह। तो इसी जास्कर श्रेणी से गंगा का उद्गम स्थल है, यहाँ से गंगा का उत्पत्ति होती है, इसे गोमुख नाम रखा गया है। गोमुख से गंगा का उद्गम स्थान माना गया है और हरिद्वार होते हुए, कानपुर होते हुए, वाराणसी होते हुए, पटना होते हुए आगे चली जाती है। इसी क्रम में हम बात करते हैं, जब चूंकि झील की चर्चा हो रही थी और चीन से सटी हुई सीमा उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। नैनीताल में एक झील है और एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर उसका नाम है चाइना पीक, जहाँ से चाइना का बॉर्डर दिखता है। प्यारे बच्चों, आगे हम आपको जापान के बारे में अध्ययन कराएंगे और मानचित्र के माध्यम से आपको हम जापान का मानचित्र बना करके उसकी स्थित और विस्तार के बारे में अध्ययन कराएंगे। मैं आप यहीं पर अपना आज समाप्त करता हूँ।